चलिए अविनाश जी, हम लौटेंगे आपके पास। इस वक्त बता दें, शिवपूजन मेहता जिन्होंने आजसू का दामन थाम लिया है, बीएसपी से निष्कासित विधायक हैं शिवपूजन मेहता। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी का दामन थामेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन सारे कयासों पर विराम लग चुका है। आज बीजेपी का दामन नहीं बल्कि आजसू के हो गए हैं शिवपूजन मेहता। बीएसपी से निष्कासित थे, पलामू के हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और बीएसपी ने इन्हें निष्कासित कर दिया था और आज आजसू का दामन थाम चुके हैं शिवपूजन मेहता। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आजसू प्रमुख सुदेश महतो के साथ शिवपूजन मेहता मौजूद हैं और इनका आजसू में स्वागत किया गया, पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आजसू में शामिल हुए हैं शिवपूजन मेहता। तो दल बदल का खेल लगातार देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इससे पहले भी कई दिग्गज जो थे उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और आज शिवपूजन मेहता जिन्होंने आजसू का दामन थाम लिया है। पलामू के हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और बीएसपी से निष्कासित विधायक शिवपूजन मेहता ने आज आजसू का दामन थाम लिया है। तो आजसू के हो गए हैं आज से शिवपूजन मेहता। झारखंड के धरती के भगवान के चरणों में सदा सुमन, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। बिहार लेन अमर शहीद जगदेव बाबू के चरणों में सदा सुमन। नीलांबर पीताम्बर तिलका मांझी सहित सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके और आजसू पार्टी जो झारखंड की माटी की पार्टी है, विनोद बिहारी महतो जी ने झारखंड अलग निर्माण का सपना देखा, आज उनके सपनों को साकार करने के लिए झारखंड प्रदेश में आजसू पार्टी लगातार प्रयासरत है। झारखंडियों के अनुकूल झारखंड का नव निर्माण किया जाए। आज इस अवसर पर आजसू पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय झारखंड प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे बीच बैठे हुए मंचा सिंह हैं, मैं इनका अभिवादन करते हुए आजसू पार्टी के तमाम मंचा सिंह वरिष्ठ नेता जो हमारे बीच बैठे हुए हैं, देवशरण भगत जी, डोमन सिंह मुंडा जी और सेवानिवृत्त सुबोध प्रसाद जी इस मंच पर बैठे हुए हैं। आजसू पार्टी के पलामू जिले से आए हुए तमाम क्रांतिकारी साथियों और बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके काफी तादाद में आए हुए हमारे साथ सभी साथियों ने आजसू पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है, क्योंकि आजसू पार्टी ही झारखंड की माटी की पार्टी है। अलग राज्य निर्माण के लिए आजसू पार्टी ने काफी संघर्ष किया, परिणाम स्वरूप झारखंड प्रदेश का अलग निर्माण हुआ। साथियों, तमाम जो हमारे साथ क्रांतिकारी साथी संघर्षशील साथी जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आज आजसू पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं चाहूंगा आदरणीय
केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुरेश कुमार महतो जी से कि तमाम साथियों को एक बार संबोधित करते हुए उनका हौसला अफजाई करेंगे। हमारे बीच मीडिया के साथी बैठे हुए हैं, उनको भी मैं अभिवादन करना चाहूंगा, क्योंकि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और उनके बिना डेमोक्रेसी की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। इसलिए आज इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत है, अभिवादन है। साथियों, मैं ज्यादा लंबा वक्तव्य नहीं देना चाहता हूं, लेकिन संक्षिप्त में मैं आप लोगों के बीच आज से हृदय मुझे लगा कि आज अपने राज्य की माटी की पार्टी आसू पार्टी का मैंने सदस्यता ग्रहण करके और अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि झारखंड प्रदेश में 81 विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है और हमारे समय में भी 81 विधानसभा में चुनाव लड़ा गया था। एक सीट जीतकर जब हम झारखंड विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, बहुजन समाज पार्टी की ओर से हमने प्रतिनिधित्व किया, तो मुझे लगा था कि बहुजन समाज पार्टी दबे कुचले लोगों की आवाज बन करके झारखंड प्रदेश में और पार्टी का विस्तार करेगी। लेकिन बड़े दुख के साथ आज इस मंच के माध्यम से मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस उम्मीद और अपेक्षा के साथ मैंने बहुजन समाज पार्टी को 5 साल झारखंड प्रदेश में बढ़ाया, सभी जिलों में संगठन खड़ा किया, तो आपको शेर जो मुझे भी आपके बीच कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि जिनसे उम्मीद थी बनाएंगे मजार मेरा, जिनसे उम्मीद थी बनाएंगे मजार मेरा, और वही चुरा कर ले गए कब्र से पत्थर मेरा, वही चुरा कर ले गए कब्र से पत्थर मेरा। साथियों, यह बात यथोचित स्पष्ट होता है कि जिस उम्मीद के साथ यहां के पोलिटिकल पार्टी झारखंड प्रदेश का नेतृत्व कर रही है, निश्चित तौर पर झारखंड प्रदेश के लोगों के साथ एक छलावा हो रहा है और आजसू एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड प्रदेश का प्रदेश को नेतृत्व दे करके और झारखंडियों को सम्मान दे सकती है। ये कहते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि आज जिनके सानिध्य में, जिनके नेतृत्व में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, निश्चित तौर पर मैं पूरे संकल्प के साथ आपके बीच दोहराना चाहूंगा कि मेरी आखिरी पार्टी आजसू पार्टी होगी। ये मैं आज मंच के माध्यम से कह रहा हूं। साथियों, आपने देखा होगा कि झारखंड प्रदेश में काफी खरीद फरोख का दौर चलता है। जब सरकार बनाने की बारी आती है तो खरीद फरोख शुरू हो जाता है। मैं अकेला जीत करके आया था, आप साझे अनुमान लगा सकते हैं कि मैं भी कहीं दूसरे पार्टी में जाकर के और वहां पर समर्थन कर सकता था, लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी का झंडा यहां बुलंद करते रहा और उसका प्रतिफल यह हुआ, मैंने प्रदेश अध्यक्ष का पद सुशोभित करते हुए उस पद को मैंने बखूबी निर्वहन किया। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज जिस अपेक्षा के साथ मैंने बहुजन समाज पार्टी का झंडा धोया, उस पर बहुजन समाज पार्टी खरा नहीं उतर पा रही है। इसलिए हमें लगा कि आसू पार्टी ही झारखंड का विकास कर सकती है और आसू पार्टी के नेतृत्व में ही तमाम युवाओं से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आसू पार्टी के नेतृत्व में आप लोग गोलबंद होकर के और अलग झारखंड राज्य का जो सपना था, जो आज अभी सपना बन के रह गया है, उस सपना पूरा करने के लिए कृत संकल्पित भावना से तमाम लोग एकजुट होकर के आगे बढ़े। आप सबों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूंगा और आदरणीय हमारे जो अभिभावक हैं जिनके नेतृत्व में हम लोग अब गमन करेंगे, जिनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि उनका नेतृत्व हम लोग को प्रदान हो। इन्हीं अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। अब मैं पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुरेश कुमार महतो सर से आग्रह करूंगा कि वो अपने संबोधन आज
पार्टी मुख्यालय में पार्टी के इस मिलन समारोह में मैं एक संघर्षशील नेता, कुशीनगर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिवपूजन मेहता जी का और इनके हजारों समर्थकों का अपनी पार्टी में अपने दल में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज ये मिलन समारोह आने वाले समय के लिए सामाजिक न्याय के हमारे आंदोलन को बल देगा, ताकत देगा और उम्मीद है कि आने वाले समय पार्टी की सक्रियता न केवल पलामू क्षेत्र में बल्कि समस्त झारखंड में यहाँ के जनमानस के भावनाओं को सुरक्षित रखते हुए संरक्षित रखते हुए आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। मैं अपने शिवपूजन जी के विचारों का सम्मान करते हैं और उनके साथ साथ आए हजारों कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं कि आइए मिलकर इस प्रदेश को गढ़ने का रचने का जो जनादेश जनता का प्राप्त है उसका सम्मान करते हुए राज्य को उस ऊंचाई पर पहुंचाएंगे जिस ऊंचाई की कामना हजारों शहीद परिवार, हजारों आंदोलनकारी या फिर एक एक झारखंडी ने जो सपना देखा है उसे हम सबको मिलकर साकार करना है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जीता था शिवपूजन मेहता ने और आज आजसू की सदस्यता ले ली। खुद आजसू प्रमुख सुदेश महतो मौजूद हैं प्रदेश कार्यालय में और आज से आजसू के हो गए शिवपूजन मेहता। बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता था पलामू के हुसैनाबाद विधानसभा का क्षेत्र से शिवपूजन मेहता विधायक हैं और बीएसपी से पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में शामिल होंगे लेकिन आज सारे कयासों पर विराम लगा और आज से शिवपूजन मेहता आजसू के हो गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन होंगे हाजिर।